मेट्रो बस सर्विस जो स्टेशन है मेट्रो बस का, मेट्रो बस सर्विस स्टेशन, उसका ये शादरा का स्टेशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त। और ये एलिवेटर्स हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा। ये एलिवेटर गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से बताया जा रहा है कि ख़राब हैं। बुज़ुर्ग जो मुसाफर हैं, वो चाहे खातून है चाहे कोई मर्द है, वो कैसे ऊपर चढ़ेगा, उन्हें दूसरी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखें जी, ये रस्सी बांधी गई है इंतजामिया की जानिब से कि इस तरफ कोई शख्स ना आए, ये एलिवेटर ख़राब है। हालांकि एलिवेटर का मकसद है जो हमारे बुज़ुर्ग मुसाफर हैं उनको सहूलत मिलनी चाहिए। मेरे साथ बुज़ुर्ग मुसाफर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, क्या हाल है? अगर चलते जाओ तो गल करते जाइए। फिर ये जो ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ है ना, इन उत्ते आप ही टुरना होना सी, तुसी भी बोर्डिंग चढ़े नहीं जाता पिया। अच्छा, तो ये उंज बंदे जदों वे ने रस्सी रस्सी को बदी है। ठीक है, किन्ने अरसे तो बंदे सही क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं जी, ये हुन इन्हां नूं पता होवे, इंतजामिया नूं। इंतजामिया नाहली किन्ने है? हुकूमत दी नाहली है, किसी होर दी कि नाहली है? जी हुकूमत दी हो सकदी आ, इंतजामिया दी हो सकदी है। ठीक होनी चाहिए है, ये मुतालबा तुहाड़ा। हां जी जी, चलें जी, मेहरबानी जी, तुसीं भजन अगे आए हो, सानूं दस्सो जरा। आप बताएं मुझे सर, ये जो एलिवेटर सीढ़ियाँ जी, ये देखें, ये खुद ही चलती हैं लेकिन हम खुद मैनुअल चल रहे हैं क्योंकि ये ख़राब है सर, क्या ये हुकूमत की भी ना अली है और इंतजामिया की भी ना अली है, बल्कि ये इनकी मिली भगत है। ये चीज़ों की, ये आवाम से हर चीज़ की चार्जेस ले रहे हैं लेकिन ये चीज़ों पर ध्यान नहीं, कोई भी किसी की चीज़ पर ध्यान नहीं है। कोई चीज़ ख़राब है उसे वो ख़राब है, जब वो किसी को आप जैसे मीडिया ने इस बात को उजागर किया है तो इसके साथ साथ और भी यहाँ पे पहले भी मीडिया काफ़ी दफ़ा आ चुका है लेकिन इसके बावजूद भी ये उनकी ये इतनी नाअहली है कि बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारी गवर्नमेंट से और मेट्रो हुकूमतों से रिक्वेस्ट है कि ये कम से कम बुज़ुर्गों के लिए और सब जो खवातीन हैं, लेडीज़ हैं, तो यहाँ पे आप कभी भी सुबह के टाइम आगे देखें जी जी, तो लोग किस तरह वापस जाते हैं और रुक रहे हैं, कितनी उन्हें परेशानी होती है। बिल्कुल, इस वजह से मुझे 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 बताएं कितने अरसे से बंद ये खराब है सीढ़ियाँ? ये तकरीबन 2 साल से बंद है। 2 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हम रेगुलर सफ़र करने वाले हैं। अब गरीब आदमी है जो वो मेट्रो में सफ़र करेगा तो वो फिर, हालांकि किराया भी इसका नाजरीन जो है वो तकरीबन इसका किराया जो है वो 30 रुपये कर दिया गया है। ये लोगों की एक तादाद आ रही है, बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि ये इस सीढ़ियों से क्यों नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, बुज़ुर्गों ये सीढ़ियाँ तो क्यों नहीं आए जी, थोड़ी सहूलत वास्ते बनाई गई सी? तो क्या हल क्या होना चाहिए इसका? और क्या, आगे तो जो टिकट होती है ना, जो ठिपा देते हैं जी जी, वो मशीन में डाले बजाय मतलब गुजरता नहीं था, निकलता नहीं था। हाँ जी, आप तो वैसे ही आने जाने दे रहे हैं। मशीन खराब है? हाँ जी, मशीन खराब है जी। आप क्या सीढ़ियों के बारे में क्या कहेंगे? लाही आने से चाहिए ना चलाना जी जी, बंदा चौहान से चढ़ जाता है जी जी, बुढ़ा बंदा की करे? बिल्कुल ठीक गल है, उनके पास परेशानी परेशानी है जी। खवातीन भी आ रही हैं और दूसरे लोग भी आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप ये देख सकते हैं जी, ये जो है सीढ़ियाँ हैं दूसरी मैनुअल हैं जो हम लोगों के लिए है और जो हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं मुसाफर उनके लिए जो हैं वो दूसरी सीढ़ियाँ रखी गई थी। अब बुज़ुर्ग भी ख़वातीन भी जो हैं वो इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ आते हैं और आप देख सकते हैं बच्चे ख़वातीन सभी जो हैं ये मैनुअल सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर आने के लिए और मुश्किलात पेश आ रही हैं। 2 साल तकरीबन हो गए हैं, बताया जा रहा है कि ये सीढ़ियाँ ख़राब हैं। मां जी तुम दसोगे सीढ़ियाँ दूसरियाँ क्यों नहीं इस्तेमाल की थी, थोड़ी सहूलत वास्ते जो बनाई गई हैं? बिल्कुल हैं जी।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚਲੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪ ਕੈਸੇ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਐਲੀਵੇਟਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸੀੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜੀ मजबूरी हो तो फिर क्या करें तो क्या किसकी नाहली समझते हैं ऐसे क्यों है ये मकसद तो ये था कि आप जैसे बुजुर्गों को सहूलत मिले ये क्या कहना चाहेंगे बताएं मुझे जरा 60-70 साल हो गए ऐसे देखते आ रहे हैं कुछ आगे नजर आता नहीं 50-60 हजार का आदमी बना दो जो बुराई की जड़ है उसको खत्म कर दो ठीक हो जाएगा कौन है बुराई की जड़ कौन है ये करप्शन वाले करप्शन वाले बुराई की जा रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम टफ टाइम थे इनके अच्छा टफ टाइम का मतलब क्या है ठीक है तो रुकावटें खड़ी करेंगे नहीं चलने देंगे सही यानी आवाम के लिए टफ टाइम है हाँ चले जी नाज़रीन एक और मेट्रो बस स्टेशन पर पहुंचे हैं और पहले हमने आपको एक स्टेशन का मनाज़र दिखाया और यहाँ की मशीनों की हालत आपके सामने है ये देखें ये क्या है जी ये वो मशीनें हैं जो टोकन जिसमें जो है वो स्वाइप किया जाता है ये सूरत हाल आपके सामने है कि ये मशीनें क्यों नहीं ठीक इनसे बात कर लें अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल भजन आप मेट्रो पे सफ़र करते रहते हैं रूटीन में जी ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड कभी कभार कर देते हैं जी जी मुसाफिर परेशान होते हैं सीढ़ियाँ नहीं चल रही मशीनें ख़राब मुश्किल तो होती है क्या क्या मुश्किल होती है उन्होंने बताया जा रहा है जो थोड़ी एजड होती हैं उनको चढ़ने में वो मुश्किल होती है अच्छा काफ़ी परेशानी होती है वो कई दफ़ा ये वो इधर भी मसला होता है मशीनें खराब जैसे मशीन खराब अच्छा तो वो एक के टोकन में 2 दिन को गुजार देते हैं अच्छा क्या करते हैं एक के टोकन में वो पकड़ के 2 दिन को गुजार देते हैं 2 दिन को गुजार देते हैं टोकन वैसे कलेक्ट कर लेते यानी एक टोकन लेके 2 बंदों को फ्री जाने देते हैं 2-3 भी हो जाते 2-3 हो जाते हैं तो फिर आगे जाके क्या होता है जहाँ पे स्टेशन पे उतरते हैं टोकन ये खुद ही पकड़ लेते हैं अच्छा खुद ही पकड़ लेते हैं हालांकि टोकन टोकन का काम है मशीन में डालना अगर कार्ड हो तो स्वाइप करना हो फिर क्या होता है तो मोस्टली जो कार्ड है तो वो स्वाइप हो जाता है अच्छा जिनका टोकन नहीं चल रहा होता टोकन वैसे कलेक्ट कर लेते हैं तो कार्ड के साथ गुजार देते हैं कार्ड के साथ गुजार देते हैं और कोई परेशानी एलिवेटर के हवाले से मुख्य स्टेशन से आप जाते रहते हैं नहीं एलिवेटर में वो अब कुछ दिनों से चल रहे हैं लेकिन जो पास्ट है 4-5 माह बैक में जाएँ तो वो काफ़ी ख़राब थे ऑफ एंड ऑन 1-2 ही चल रहा होता है पूरे स्टेशन में बाकी सारे ख़राब थे लेकिन अब कुछ बेहतर है अब कुछ बेहतरी है हाँ नाज़रीन आपने सुना इनकी बात और ये जो है मशीनों की सूरत हाल है ये आपके सामने है और ये जो है एलिवेटर ये बिल्कुल फ्री है आप यहाँ से गुजर सकते हैं अंदर जो है मूव कर सकते हैं और ये सारी सूरत हाल आपके सामने है ये मशीनें जो हैं ये ख़राब हैं लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है ये कोई बंदा बात नहीं बता सकता अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों की हाल चाल है ठीक है बुजुर्गो मशीन चल नहीं रही पौड़ियाँ जड़ियाँ नहीं चल रही की कहोगे कितनी परेशानी होती है परेशानी ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਕਿਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਸੂਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਾਣ ਅੱਛਾ ਥੰਮਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਜੋ ਆਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਸਾਹ ਚੜ ਗਏ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਥਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ चलें जी आपने देखा काफ़ी परेशान है अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है भाईजान ये बताएं एलिवेटर जो है वो चल नहीं रही और मशीनें भी खराब हैं मुसाफिर कितना परेशान हो बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई काम नहीं हो रहा है मसले मसाइल है काम नहीं हो रहा है क्या क्या मसले ये मशीनों का काम मशीनें बंद पड़ी हुई हैं अच्छा ये भी आपने कभी देखा कि मुसाफिर सफ़र करें वो टोकन डलता नहीं है मशीन खराब है फ्री में भी सफ़र करी जा रही है फ्री में नहीं वो ले लेते हैं टोकन ले लेते हैं आप ले लेते हैं अच्छा आप सर आप भी मुतासर हुए कभी मेट्रो स्टेशन से अभी नहीं पहली दफ़ा आए हैं सफ़र कर रहे हैं कैसा रहा सफ़र मुझे बताएं अच्छा पहले कभी ज़िंदगी में सफ़र नहीं किया मेट्रो में क्या सुना क्या मेट्रो के बारे में अच्छा बस अच्छा है लेकिन कभी सफ़र नहीं किया चलें जी आपने देखा ये मुसाफिर पहली दफ़ा आए हैं और ये जो हैं ये यहाँ से ये गुजरेंगे और यहाँ से वैसे ही गुजर जाएंगे ये वैसे ही गुजर गए हैं जी हम भी वैसे गुजर गए हैं और मेरा कैमरामैन भी मैं कहूँगा वैसे गुजर गए आ जाए ये कैमरामैन भी वैसे गुजर गए ये मेट्रो स्टेशन है जी और आपके सामने सूरत हाल है काम करने वाले जो हैं वो भी कोई ख़ास बात हमसे नहीं कर रहे हो कहते हैं जी हमें इजाज़त नहीं है लेकिन टोकन कहाँ पर देना है और ये कहाँ पे जो है वो कार्ड स्वाइप करना है इस सूरत हाल का कोई अता पता नहीं यहाँ पे जितने मुसाफिर आए हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं उन्होंने कोई पैसा नहीं किसी को
दिया। मेट्रो बस सर्विस जो है वो पहले ही खसारे में है और मज़ीद ये जितने मुसाफिर बैठे हैं ये स्वाइप नहीं कर गए, इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि टोकन को क्यों नहीं स्वाइप कर गया। ये बड़ी इंटरेस्ट बात है, क्या ये फ्री सफ़र है, क्या पंजाब हुकूमत जो है ये सफ़र को फ्री ऑफ कॉस्ट करार दे चुकी है या कैसी सूरत हाल है। स्टूडेंट भी मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं? स्टूडेंट हैं। मेट्रो में सफ़र करते रहते हैं अक्सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी टोकन स्वाइप कर गए हैं? नहीं, टोकन नहीं, मेरे पास कार्ड है। कार्ड है, कार्ड स्वाइप किया जी, हो गया जी, मशीनें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं? नहीं, पहले तो ठीक थी लेकिन अब काफ़ी स्टेशंस पे देखा है कि मशीनें मतलब ख़राब हैं, तो काफ़ी इसमें नुकसान भी है गवर्नमेंट को भी है और स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा भी है इसमें। क्या फ़ायदा क्या स्टूडेंट को? फ़ायदा ये देखें कि अगर यहाँ से एक मशीन ख़राब है तो यहाँ से कार्ड स्वैप नहीं करके जाता, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर स्टेशन पर उतरते हैं वहाँ पर भी स्वैप नहीं करना पड़ता, तो उसको 30 रुपीज़ का वो क्या कहते हैं फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा हो गया जी, लेकिन हुकूमत को 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। कितनी दफ़ा आपने फ्री सफ़र किया है? ऑलमोस्ट 10। फर्स्ट टाइम जब आपने फ्री सफ़र किया क्या आपके जहन में इंटेंशन नहीं थी ऐसे करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मशीन ही ऐसी हैं, कहाँ पे बंदा स्वैप करे कार्ड, तो ये देखें जैसे मैंने 10 दफ़ा सफ़र किया तो हो सकता है कि इन भाई ने भी कितनी दफ़ा सफ़र किया और कहाँ से जा रही है, हुकूमती खजाने को नुकसान जा रहा है, और ये जैसे हुकूमत को नुकसान होगा तो जारी बात है आम बंदे पे इसका बोझ आएगा, मुल्क को नुकसान होगा जी बिल्कुल। आप में से किसी ने फ्री सफ़र किया कार्ड स्वाइप ना हुआ हो, किसी के साथ ऐसा इत्तेफाक आपके साथ हुआ है? भजन आपके साथ, आप यहाँ से आए हैं, कार्ड स्वाइप किया, हो गया, सारी मशीनें चल रही हैं? हाँ चल रही, लेकिन एक तीन तो ख़राब मैंने खुद देखी है। नहीं, वो इधर से ख़राब होंगी, इधर से। अच्छा, अगर जो इधर से आएगा वो ख़राब मशीनों से गुजर के आएगा? हाँ, डेफिनेटली ख़राब जी। अच्छा, यहाँ से वो चेक करें, मशीन दोनों ख़राब है, जो सही है उसे बांधा हुआ है और जो ख़राब है वो ओपन है। कौन सा? ये जो एक्सीलेटर ऊपर आता है ना वो नहीं ठीक है। ठीक है, वो बुजुर्गों के चढ़ने उतरने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। नून लीक के जाने के बाद ये मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा, मेंटेनेंस क्या होनी थी उसके बरक्स काम खराब ही होता जा रहा है। आप उनके पीछे ये शादरा चले जाएं, वहाँ पे छत देखें, बारिश पड़ेगी, आम बंदा खड़ा हुआ भीग जाएगा। चलें, आप जा सकते हैं जी, आपका जो है वो मेट्रो बस आ चुकी है और इन्होंने यकीनन सफ़र भी करना है। अब ये मुसाफिर उतरे, आपको दिखाते हैं कि मशीन कितनी सही है और कितनी ख़राब है। यहाँ पर भी जो है दो मशीनें हमने देखे हैं, दो एग्ज़िट पॉइंट हैं। बेसिकली ये एग्ज़िट पॉइंट जो हैं वो चार किस्म के हैं। यहाँ पे ये मशीन की सूरत हाल आपके सामने है, ये इस किस्म का बैरियर जो है इस मशीन पे नहीं लगा हुआ। मशीन का ये आप सूरत हाल देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी शख्स गुजर सकता है, आर पार जा सकता है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, टोटल जो है वो चार मशीनें रखी जाती थी हर स्टेशन के ऊपर, एक मर्द के लिए और एक दो मशीनें जी वो ख़वातीन के लिए। बदकिस्मती से अब मशीनें तो हो गई हैं ख़राब, अब मर्द ख़वातीन को एक ही जगह से गुजरना पड़ता है। ये मशीन जो है इसकी सूरत हाल आपके सामने है और यहाँ पे किसी किस्म का हमने काम होते नहीं देखा, काफ़ी अरसे प्रॉब्लम। आगे चलते हैं जी, अब ये दूसरी मशीनें आपको हम दिखाते हैं। ये मशीनों के साथ एक जो है छोटी सी स्टिक उन्होंने बांधी हुई है। ये क्यों बांधी हुई है, इसकी समझ से बाहर काम। कहा यह जाता है कि ये मशीन जो है मशीनरी ख़राब है, जैसे ये मशीन है ये भी मशीन ख़राब है। ये लीवर बिल्कुल फ्री है, ये देखें, ये लीवर तभी ये बैरियर जो है वो ब्रेक करता है जब इसके ऊपर टोकन जो है इसके अंदर इन किया जाता है, तो इसको हम मूव कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मशीन ख़राब होने के बाद इसको हम जैसे मर्ज़ी घुमाएँ, आप यहाँ से जैसे मर्ज़ी मूव करें, ये स्टिक देखें जी, ये जुगाड़ है। पाकिस्तानी कौम है आपको पता है जी, जुगाड़ लगाना इनको आता है और ये जुगाड़ लगाया होगा इन्होंने कि यहाँ से कोई उस तरफ जा ना सके। अगर उस दो मशीनों से कोई शख्स जाएगा तो यकीनन वो एक मशीन जो सही है अगर रश पड़ जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पे जो है दीगर जो शहरी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। भाई एलिवेटर आप थक गए हैं यार, चलते चलते थक गए हैं, सांस चढ़ावा देख नहीं रहे आप? हाँ, उस वजह से नहीं सही करने चाहिए यार, ये क्या इशू है? पैसे लगा तो दिए हैं, बाद में मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रही? मेंटेनेंस नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते, ट्रैक्टर के ऊपर बंदा तो होना चाहिए। ये तो सारा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको एक्टिव करे। हम जैसों को क्या ये है कि हम इतने ज़्यादा एक्सीलेटर रहते, मतलब सांस फूल जाता है, सांस अभी फूला हुआ है, फूला हुआ है। हाँ जी। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं? सीढ़ियाँ काउंट नहीं की लेकिन 50-60 तो होंगी। हाँ हाँ,
तो मशीनें सही काम कर रही हैं? मशीनें बस किसी पे कर रही हैं, किसी पे कोई नहीं कर रही, बस दूसरी वाली हैं सीढ़ियां। तो फ्री भी सफर कर रहे हैं लोग मशीनें जहाँ काम नहीं कर रही? फ्री का तो मुझे इतना आइडिया नहीं, बट ये पैसे वगैरह तो हम तो दे के आ रहे हैं, लोगों का नहीं पता मुझे। चलिए जी, आपने सुना जी इश्यूज आ रहे हैं, मशीनें भी खराब हैं और एलिवेटर भी खराब है। ये वक्त छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद बात करते हैं।